हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ अरोमा मैजिक एंटी पिगमेंटेशन ग्लोसी पैक के बारे में, जो कि ये काफ़ी अच्छा पैक है। ऑल स्किन टाइप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल टू ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पिगमेंटेशन जो हमारे चेहरे पर ही उसके लिए काम करता है, जो हमारे चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स सन टैनिंग की प्रॉब्लम है उसको साफ करता है। दोस्तों और बात करते हैं हम इसकी प्राइस की, जो कि काफ़ी दोस्तों यहाँ से रिमूव हो गया है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसका प्राइस है 410 रुपीज़। और अगर आप नायका से लेते हैं इसको तो आपको 350 का मिल जाएगा, जो कि 20% वहाँ हमेशा डिस्काउंट रहता है। अगर आप शॉप से जाते हैं लेने के लिए तो आपको ये 410 रुपीज़ का ही मिलेगा। दोस्तों इस पे लिखा है कि इस पे 100% पैराबीन फ्री है, ना कोई अल्कोहल है ना कोई केमिकल ऑयल वगैरह, 100% आयुर्वेदिक है। दोस्तों ये करता क्या है हमारी स्किन में, ये जो डार्क सर्कल होते हैं ये इसके लिए भी है, डार्क सर्कल ख़त्म करता है। दोस्तों आजकल जो भी पैक आते हैं वो डार्क सर्कल के लिए नहीं होते, मना करते हैं कि डार्क सर्कल से नीचे ही लगाएं, पर ये ऐसा पैक है कि डार्क सर्कल के नीचे भी हम लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ब्लैकबेरी, लेमन ग्रास, जोजोबा और जिंजर, ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को काफ़ी स्मूथ एंड मॉइस्चराइजर रखती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। पहले हम अच्छे किसी क्लींजर से अपने चेहरे को साफ कर लेंगे, फिर एक अच्छी सी लेयर अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे और नेक पे भी लगाएंगे। इसमें दोस्तों मेंशन करा है कि जो भी हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन है पहले उस एरिया पे इसको लगाएं 1 हफ्ते तक, फिर हम उसके बाद पूरे चेहरे पे लगाएं, क्योंकि पिगमेंटेशन लाइट होगी। या तो हम पहले लगाएंगे तो चेहरा पहले साफ दिखने लगेगा पिगमेंटेशन और डार्क दिखेगा, इसलिए पहले दोस्तों इसको पिगमेंटेशन पर हमें लगाना है। दोस्तों अब बात करते हैं इसको कैसे कितनी देर, 15 से 20 मिनट रख सकते हैं या आप 30 मिनट तक इसको लगा के रख सकते हैं। दोस्तों इसकी खुशबू की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छी है, इसकी खुशबू है, काफ़ी अच्छी स्मेल है। दोस्तों अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको, कैसे अपने हाथ पे लगा के आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाना। काफ़ी अच्छा है, सारे आयुर्वेदिक इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, एक अच्छी स्मेल आती है। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो अलग ही एक ब्राइटनेस आपके चेहरे पे दिखती है, देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा है, एक पतली सी लेयर लगाना पड़ता है हमारे चेहरे पे, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी ये ख़ास बात ये है कि इसको हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। दोस्तों चलो मैं अब इसको रिमूव करके आती हूँ। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं अब मैं साफ़ करके आ गई हूँ, मेरा हाथ थोड़ा सा ग्लोइंग इफ़ेक्ट आ जाता है इस पर। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको 2 से 3 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनली ओपिनियन बताना चाहूँगी आप लोगों के साथ में। दोस्तों ये कोई पिगमेंटेशन के लिए जड़ से ख़त्म नहीं करता है, स्किन को लाइट कर देता है। मेरी जो पिगमेंटेशन है वो कम हो गई है, पर जड़ से ख़त्म नहीं हुई। इसलिए दोस्तों आपके सामने मैंने पूरा रिव्यू दे दिया है। सजेस्ट करूँगी कि आपका मन है आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।